देश की सियासत में वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा जोरों से उठ रहा है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्ष मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि भाजपा इंडिया के प्रभुत्व से डरी हुई है, क्योंकि 5 राज्य के जो सर्वे आए हैं वह पूरी तरह से भाजपा के विपरीत आए हैं, जिससे वह डर गए हैं और जनता के बीच संभ्रम की स्थिति निर्माण कर रहे हैं। ऐसा है कि इसके पहले भी वो था और अभी मुझे आप सबको पता है वन थर्ड मेजोरिटी स्टेट की लगती है, वो स्टेट अगर इनको परमिशन देते उनका रिजोल्यूशन लगता है। अब हमारे पास में 12 सीएम है जो कि अपोजिशन के हैं और 5 सीएम ऐसे हैं जो किसी के तरफ नहीं है, वो स्टैंड है अपनी जगह। इनकी सबकी सहमति हो तो कानून में बदलाव लाने के लिए जो मैजिक फिगर चाहिए वो अगर है तो वो करें, इसको विरोध करने का हमारा कोई काम नहीं है। आखिर में कानून कैसे बनता है, तो कानून तो बनाने के लिए जो प्रावधान किया गया है कानून में तो उस हिसाब से इन्होंने करना चाहिए। अब देखिए इंडिया से डरकर वन नेशन वन इलेक्शन ऐसे नारे लगाएंगे तो लोगों को गुमराह करने की बात है, मैं ये समझता हूँ। अब वो समिति ये क्यों नहीं किया पहले 6 महीना पहले, कोविंद साहब की कमेटी को डिक्लेयर करने का था वन नेशन वन इलेक्शन का तुम्हारा तुम्हारा एजेंडा था या तुम्हारी मंशा थी, तो तुमने उस वक्त यह निर्णय लेना चाहिए था, आज तक इस निर्णय तक आ सकते थे। अब डर गए हैं, 5 राज्यों के सर्वे जो आए वो सर्वे इनके खिलाफ में आए हैं, यहाँ पे सरकार जाते यहाँ सरकार बनती नहीं आ रही बीजेपी की, तो अब ऐसा कुछ पिल्लू छोड़ के, क्योंकि अगर 5 स्टेट अपोजिशन में चले गए तो केंद्र सरकार को तकलीफ होगी, उसको जितना मुश्किल होगा, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अभी ये नया पिल्लू उन्होंने छोड़ा है। मुझे लगता है इसमें क्या रिजल्ट आएगा अब आने वाले दिनों में दिखेंगे।